भाई हमारे वरुण भाई ने लिया न्यू हेलमेट AGV का, देखो कार्बन। तो भाई यहाँ पे अपनी पैंथर का काम शुरू, अब देखते हैं ये सारी एसेसरी लगेगी। अभी भाई पीछे कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर दिया मैंने? जो ये है ये ना, ये चीज ना इसी राइड में ना मुड़ गई थी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना भाई, अपना यार, अपना दोस्त रावत अभी। और आज का सीन ऐसा है कि जो मैं अपना GoPro सेटअप करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, मैंने मनोया का भी माइक था बट मैंने इसका एक ये माइक मंगाया क्योंकि मुझे डेड कैट और उसके अंदर का चाहिए था, तो मैंने ये वाली चीज़ मंगवाई है। देन आज इसको ट्राई करेंगे कि इसकी वॉइस कैसी है, इसकी ऑडियो क्लैरिटी कैसी है सब। उसके लिए चलो अपना GoPro को सेटअप करते हैं फटाफट। भाई जो माइक मंगाया था उसके अंदर की जो पैकिंग है कुछ ऐसी, मतलब पैकिंग बहुत बढ़िया पैकिंग है, ऐसा लग रहा था लेदर का केस है, लेदर का बैग है नहीं है पर वैसी उसकी क्वालिटी वैसी लग रही है। और अंदर की जो चीज़ है ये भी बढ़िया है। जो ये है ये ना, ये चीज़ ना पिछली राइड में ना मुड़ गई थी, यहाँ से निकल गया था थोड़ा सा बाहर, टेढ़ा सा हो गया, पूरा तो नहीं हुआ था बट वो। तो इसके लिए ना मैंने एक और चीज़ मंगा दी, इसका एक एक्सटेंडेड मंगवा दिया है, आज ही डिलीवर हुआ है सुबह सुबह ही, यूज़ करके देख लेंगे। ये है कुछ बोलते ऐसे, और ये मेरे को पड़ा है आई थिंक 500 रुपये समथिंग, और ये क्वालिटी बढ़िया हो। तो यार अपनी पैंथर पे आ गए, निकल चुके करोलबाग के लिए, लेट हो गए खाने में, तैयार होने में, मतलब सब कुछ करने में। अब मेन चीज़ें जो मैंने आज माइक लगा रखा है, इससे ऑडियो अच्छी आए, अगर इससे एक बार इसको टेस्ट करेंगे दैन जो मैंने आगे का एक्सटेंडेड मंगवाया है उसको हम दूसरे वाले माइक में भी यूज़ करके देखेंगे। फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि दोनों में से किस में बेस्ट ऑडियो आ रही है, तो हम उसी को लगाएंगे हेलमेट में, मतलब परमानेंट वाला काम कर देंगे। अभी तो मेरा एक कच्चा काम है, आई मीन कि हाँ ठीक है, जब मन कर रहा है निकाल के बैग में रख रह रहा हूँ, पर अभी हेलमेट में वाला पक्का 100% वही काम कर देंगे फुल। वरुण और विनय भी आ चुके हैं। वो अपने जिम बुला रहा था। क्यों? ये वीडियो बनाएगा। ये तो बोला GoPro घर पे देते हुए जाना, वो जिम लेके चले गए। सैम भाई सीधा आते हुए कहाँ से, जिम से। भाई लाइट तो दिखा दो यार, लाइट तो मार दो। और भाई क्या हाल है भाई? तो भाई इसके अंदर का हिस्सा चेंज है, इसके अंदर का हिस्सा देख के बता सकते हो, डोमिनार का अंदर का हिस्सा पूरा लगा हुआ है। बैग लेने बस मैं करवाऊंगा इंडिकेटर चेंज वगैरह, और एक वो लगवाऊंगा जेट इंडिकेटर गोल वाले नीचे की साइड। भाई हो निकल लिया यहाँ से, फटाफट निकलेंगे फटाफट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा सा ही काम है, वैसे तो ज़्यादा देर का काम नहीं है। बस यार ऑडियो एकदम बढ़िया आ रही हो, क्योंकि अगर इसमें बात बन गई तो मैं इसी को फिट कर दूंगा फिर। बस जो नीचे से मैंने माइक लगाया वो सही जगह लगा दूंगा, क्योंकि वो मतलब टेम्परेरी काम किया है, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ऑडियो में जो पहले कड़कड़ कड़ आवाज़ आ रही थी ना बीच बीच में, वो आवाज़ ना आ रही हो। मारो डैम मारो भाई, राह चलते ऐसे तो चूतिया मिल जाते हैं। और भाई गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, गर्मी मतलब तो हो ही गई है, अब जैसे जैसे होता है ना गर्मी का भोकाल बढ़े जा रहा है। भाई बताना लीन कैसी लगी, थोड़ी तो दिखा होगा आगे से पीछे से, अगर कैमरा ऑन होगा तो, वरुण का अगर कैमरा ऑन होगा तो क्लिप ले लूँगा, और अगर नहीं होगा तो भाई इसी से काम चला लेना। और रही बात एग्जॉस्ट का, तो भाई बिल्कुल हमने बंद ही कर दिया एग्जॉस्ट, मतलब डीपी के लिए लगा दिया, क्योंकि वही बात है ना वहाँ जाने में मतलब खतरा, और जैसे जैसे खतरे के वजह जैसे जैसे मार्च निकल रहा है ना, वैसे वैसे ना स्ट्रिकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये साल का एंड होता है, इस साल का एंड होने के वजह से ना तो स्ट्रिकनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई जितना पुलिस वाले से बच सको उतना बचो, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, जितना सेफ चल सकते हो उतना सेफ चलो, स्टे सेफ राइड सेफ।
भाई पीछे कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर दिया मैंने? तो भाई ब्रेक मैं धीरे लगाऊंगा तो घुस नहीं जाऊंगा भाई, धीरे धीरे ब्रेक थोड़ी लगती है यार। और भैया इधर भैया नहीं है, कहाँ है? अच्छा, तो यार अब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट के अंदर, मतलब करोल बाग, यहाँ बाइक लगा दी है अपनी इजार भाई के पास, दैन सामान वगैरह लाएंगे और थोड़ा छोटा मोटा जो काम है वो करेंगे, जैसे कि वरुण को रैप करवाना अपना हेलमेट, वो मुझे अभी यहाँ पे आके पता लगा, भाई से घर में पूछा, भाई मना कर रहा था कि भाई नहीं लगाना कुछ, मैं तो बस ब्लॉग के लिए जा रहा हूँ, इसने ये कहा था। दैन अब भाई के हेलमेट में मैं तो आए मूड से हूँ भाई, काम करवाना है भाई जो। और क्या क्या काम करवाने हैं तुमने आज भाई? जो बढ़िया लग गया वो करा। अभी हेलमेट रख देते तुम इधर, हेलमेट लेके क्या घूम रहे हो? तो भाई चलो पहले क्या करना, पहले इस पे जाना है या पहले इस पे जाना है? इस पे चलते हैं, पहुंच चुके हैं भाई, यहीं तो होती है रैप। हाँ यहीं तो होती है, देखी थी मैंने यहाँ पे भाई, इधर भी अपने ग्रुप का स्टीकर लगा हुआ है काफी रखा, अभी दो लगे हुए हैं दोनों, डार्क और लाइट का पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। नहीं ये वाला और मोटा भी है। हाँ ये वाला लग, ये वाला थोड़ा बेकार है, ये सस्ता माल है महंगा माल है। और उनकी तरह वो वाला 400 रुपये या 500 रुपये, वो इससे भी सस्ते होते हैं, निकालेंगे तो ये तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं है। नहीं 400 या 500 ठीक है भैया, फिर ये क्या कन्फर्म ये वाला, ओके डन। तो भाई यहाँ पे ना पता, एक चीज़ बताता हूँ, भाई के साथ कभी मत आओ, मैं सोच के कुछ और आया था और इतना बड़ा चपेट लगवा देना, ये ले ले वो ले ले ये ले ले, मैं सिर्फ इंडिकेटर के लिए आया था, इंडिकेटर क्रैश गार्ड था पर नहीं लेना था, मेरे मन था पर इसने वो भी दिलवा दिया। 1000 रुपये का बिल सोच के आया था कि 1000 तक संभाल लूँगा, अरे 2800 रुपये का सामान दिलवा दिया, बस लगवा दो फिर शुरू कर दो। लगाते वो 12 वोल्ट का लगाओगे ना, उसको इग्निशन और बैटरी से देना, मतलब जब इग्निशन लगा लो। तो कब बना रहे हो अपना? भाई अपना भाई 2 तारीख को हो जाएगा ओपनिंग। किस नाम से? यही राइडर्स के नाम पे होगा। चलो स्टिकर भिजवा देना। हां भिजवा देंगे। तो भाई यहाँ पे अपनी पैंथर का काम शुरू, अब देखते हैं ये सारी एसेसरीज लगेगी अभी, फिर दिखाऊंगा एक बार लगने तो सारे, फिर बताऊंगा कि कैसे लगती है अपनी पैंथर का थोड़ा अलग का लुक। क्रैश गार्ड लगाने के बाद ना थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा, मतलब बेकार सी और सी लगेगी, पर कोई नहीं यार सेफ्टी जरूरी है, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे थोड़े रोड वगैरह ख़राब ही जा रहे हैं। भाई हमारे वरुण भाई ने लिया है न्यू हेलमेट AGV का, देखो कार्बन। भाई कितने का पड़ा? 2 लाख भाई। भाई कितने का पड़ा? 2 लाख ये भाई मेरे को पड़ा 1 लाख समथिंग का भाई। भाई भाई मैं तो 10 रुपये लेके घूम रहा हूँ, देखो और तुम इतना महंगा हेलमेट लेके घूम रहे हो। चलो ठीक है भैया, ओके भाईजान, मिलते हैं 2 तारीख को। यार अभी हम पहुंच गए, मतलब जेनियो पहुंच चुके हैं, देन हम और ये खड़ी अपने पीछे अपनी पैंथर। और चलो मैं ज़्यादा तो नहीं क्योंकि थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, पर जितना हो सके उतना बताता हूँ कि मैंने आज इसमें क्या क्या काम करवाया है, और वो काम पसंद आया तो बताना यार ज़रूर। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि तुम्हें मेरा इंडिकेटर ख़राब हो गया, बस अभी मैंने ये काम करवाना है, क्या इसमें स्मोक करवाना था, यहाँ लगाया तो किसी ना, अभी तो देखो मेरे को दिख रहा होगा कैसे दे रहे हैं, मतलब अच्छा लुक दे रहे हैं ठीक। दैन उसके बाद जो हमने एसेसरीज लगवाई है वो अपना ये क्रैश गार्ड, जिसमें तीनों ने स्लाइडर लगवाया दोनों साइड ठीक है। और भाई बाइक पे ध्यान मत देना, बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदे मारकर। और उसका जो लास्ट का फाइनल जो हमें करवाना था ना, जो मेन था हमारे लिए भाई, इसमें कोई USB चार्जर किया और बहुत चार्जर के लिए। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मम्मी बोल रही थी मैं अभी देखूंगी कि क्या मॉड्यूल क्या करवाया, कहाँ तुमने पैसा फुकवा दिया, चलो दिखाते हैं मम्मी को। लाइटिंग इतनी अच्छी आनी रही होगी, ये लगे हाँ ठीक है, इसमें बस ये आता है ना, ये वाला आता था हमने, ये अभी देखो ये है ना, दो और लगाए ये है, अब देख
हम फिर से मिल गए। मैं बोल रहा था मेन रोड तक आ जाते बाहर। तो भाई वरुण को पिक कर लिया है, देन अब निकल रहे हैं टंकुश के लिए फटाफट खींच के। जीते। अगर तू अभी पहुंचा तो कॉल कौन कर रहा था अभी मेरे को? ये देख इधर आ, एक ये वाला तो खराब हो गया था ना पेंचरी वाली, पता है ये वाले पहले वाले से ज्यादा अच्छे हैं। इसकी जो वे ना लाइट बहुत ज्यादा है। कितने के लगे? ढाई सौ ढाई सौ के। और ये वाले? ढाई सौ ढाई सौ। ये भी दोनों ढाई, मतलब पाँच सौ रुपए के। अगर होलसेल का खुला होता तो सस्ते पड़ जाते। ओ हाय बड़ी। हाय ब्रो। सॉरी सॉरी। ओ माय गॉड। ऑफ रोड रेडी R15। देख रहे हैं डब्बा, देख रहे हैं R15 हिमालय। बूस्टर लगा दिया, बूस्ट लगवा दिया भाई। और पीछे अगला तो ये लगा लिए। और तीसरा एग्जोर का तो पहले ही लगा दिया था। और ये इंडिकेटर खराब हुआ था, एक इंडिकेटर ये लगा दिए, दो छोटे नीचे लगा दिए। चल पड़ेंगे। ये 250 का, ये 250 का होलसेल वाला बंद था। ये भी 250 का है, ये भी 250 का है। रोमी से चारा रेड, इसमें नहीं आती रेड कलर। वो जैसे ये है ना देख, ऐसे में है वो, वैसे नहीं होते वो, बिल्कुल सीधे वाले होते हैं जो पहले बुलेट वगैरह में लगते थे। अभी तो नहीं अटक रहे, पर अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को भी। एक तो स्लाइडर, मैंने दो स्लाइडर और फिट करवा दिए अलग से, इसमें छेद करवा दिए तो एक साइड, एक साइड उसमें लगा दिया। ये वाला ना, एक ही था ये, नहीं ये वाला आया था इसके साथ, ठीक है। पर ये दो मैंने अलग से लिए, छोटा इधर लगा दिया, बड़ा ये इधर लगा दिया। ये तो पहले का लगा रखा है यार, भूल गया क्या? तो भाई यार सोच के गया था 800 रुपए में मैं क्रैश गार्ड वगैरह लगा, 800 रुपए में करके आऊंगा, 3400 करके आ गया। कह तो रहा हूं भाई नौकरी होके ना हम दोनों का फ्लो है। तू है मैं तो गरीब। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी मॉडिफिकेशन? बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम। सबसे बढ़िया तो भाई मेरे को ये सबसे बढ़िया तो ये लगा।